झूठ इतना बड़ा तिकड़मबाज गिरगिट सौ झूठों के अनंत मुंह वाला होता है कि सबसे पहले सत्य को परेशान करता है। सत्य के तरफ के लोग बहुत परेशान होने लग जाते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा कोई शरीफ आदमी सज्जन व्यक्ति होगा उसको परेशान इतना कर देंगे कि उसकी अंदर की शक्ति टूट जाए सत्य के प्रति लड़ने की। नहीं, उसकी लड़ाई नहीं होती। जो सत्य पे ईश्वर पे विश्वास करता है वो सामने वाले से नहीं लड़ता, उसकी लड़ाई सत्य की रक्षा के लिए होती है। सत्य की रक्षा में उसकी खुद की रक्षा है। धर्म अधर्म एक मूल बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो सच पे ईश्वर पे विश्वास करता होगा वो सामने वाले से नहीं लड़ता। उसकी बात रहती है लड़ाई सच और झूठ की है, धर्म अधर्म की है। ईश्वर साक्षी है कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। वहाँ सत्य पे मुसीबतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, मगर वो न हारता है न खत्म होता है। सत्य पे झूठ वाले लोग सच वाले को इतना डराएंगे ताकि झूठ का गैंग पकड़ा ना जाए। अब किसी भी कहानी को देख लो, कहीं भी पिक्चर में देख लो या कहीं भी देख लो, जब सत्य की तरफ से लोग परेशान होने लग जाए, देखा होगा, मतलब क्या ज्यादा बताने की जरूरत है। सत्य की तरफ से लोग पहले परेशान होते हैं और जब झूठ की बारी आती है तो फिर ऐसी बारी आती है जैसे लंका और रावण, फिर तो नंबर लगता ही चला जाता है। झूठ की जब बारी आती है झूठ घबराता बहुत जल्दी है, क्योंकि झूठ पहले से ही डरा हुआ होता है और डरे हुए लोग दूसरे को भी डराते हैं। सच्चे लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, योद्धा कमांडो। तो सच के साथ हमेशा बने रहिए। झूठ वाला तो आपसे आधा वैसे ही डरा रहेगा। बाली और सुग्रीव वाली बात सुनोगे आपने, जो जो सच वाला रूप है सच झूठ वाले का आधा बल वैसे ही ले लेता है, वो डर जाता है। सच्चा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का बिना कुछ कहे सिर्फ सच के बलबूते पे उसका आधा बल लेके उसके अंदर डर खुद ही पैदा ऑटोमेटिकली पैदा कर देता है और वो डर जाता है। उसका आधा डर का मतलब आधा बल गायब। सच पे ईश्वर पे विश्वास डगमगाया, हर समय चाल में रहता है बचने की, क्योंकि झूठ चोर है, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। झूठ को पनपाने वाले भी उसी गैंग के लोग हैं। झूठ कभी नहीं मरता, झूठ हमेशा रहता है। झूठ बोलने वाले उस झूठ बोलने की सजा पाते हैं। सो पापों का पाप झूठ है, झूठ ही अधर्म का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। झूठ को हम बहुत हल्के में लेते हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा छोटा सा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों के नेगेटिव कमेंट है उनसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर उनकी ऐसी धारणा है मेरे बारे में तो मैं उनके जवाब दूंगा। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ,